देखो आज हम लोग नया थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं कोसेट सब ग्रुप हो गया प्रमोटेशन ग्रुप हो गया ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट हो गया ठीक है अब हम लोग स्टार्ट करें कोसेट कोसेट क्या होती है ना एक सेट और एक एलिमेंट का रिलेशन होती है एक सेट और एक एलिमेंट का रिलेशन होती है देखो क्या लेट जी बी ए ग्रुप लेट जी बी ए ग्रुप एंड लेट एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी लेट जी बी ए ग्रुप and let H be any subgroup of G. Let a small a be any element of G. a element hoga G ka then the right coset of H in G, then the right coset of right coset of H in G generated by a is denoted by Ha. देखो a right में है, इसलिए right coset कहलाएगा. a अगर left में रहेगा, a अगर हमारा left में है, तो ये left coset कहलाएगा. तो क्या होगा हमारा? Let G be a group.

तो राइट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाई ए एच ए होगा ये एच के जितने भी एलिमेंट होंगे ना एच के जितने भी एलिमेंट होंगे सभी का ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा जैसे एच बी रहेगा तो एच वन एच टू एच थ्री एच फोर है तो चारों को बी से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये एच वन ए हो जाएगा एच टू एच थ्री ए एच फोर ए तो इसीलिए एच ए इक्वल टू क्या होता है एच ए जहां एच बिलोंग्स टू एच होता है Similarly, the left coset of h in g generated by a is denoted by denoted and given by aH equal to aH h हो जाएगा जहाँ h belongs to h हो जाएगा. Obviously, चूंकि a a left में है तो left coset होगा. a right में है तो right coset होगा. Obviously, h a subset होगा g का और a h भी subset होगा g का. देखो इसमें क्या कहता है? If e is the identity element of g, तो देखो एलिमेंट होता है जी का उसके जगह पर ई e को लिए तो एच ई ही मत पढ़ना एच ई होता है तो ये क्या होगा एच में जितना भी एलिमेंट होगा ना सभी का ई e के साथ मल्टीप्लाई करके होगा तो जैसे एच वन ई एच टू एच थ्री ई एच फोर ई होगा तो एच ई e, तो एच वन ई एच ही हो जाएगा एच वन हो जाएगा एच टू ई एच टू ही रह जाएगा तो एच ई e क्या हो जाएगा एच और ये किसके इक्वल हो गया एच के हो जाएगा तो अगर ई आईडेंटिटी एलिमेंट होता है तो एच ई इक्वल टू एच होता है इक्वल टू e तो देर फोर एच इज इट ए राइट कोसेट एज एज, एज एज ए लेफ्ट कोसेट होता है ठीक है तो एच हमारा क्या होता है एच हमारा एक राइट right कोसेट के साथ साथ लेफ्ट कोसेट भी होता है एच सब ग्रुप होती है नेक्स्ट देखो एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी है तो देर फोर ई बिलोंग्स टू एच देखो सब ग्रुप कोसेट होने के लिए क्या चाहिए एक एलिमेंट एच का होता है तो उसका मल्टीप्लाई ए के साथ होता है तो ई डॉट एस का तो तो e हो जाएगा कोई भी राइट right या लेफ्ट कोसेट कोई भी राइट right या लेफ्ट कोसेट ऑलवेज नॉन एम्प्टी होती है क्योंकि कम से कम अगर एच ए है तो ए बिलोंग करेगा एच ए में एच बी होगा तो बी बिलोंग करेगा एच बी में तो देयरफॉर इफ एच इज एनी राइट कोसेट ऑफ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी देवेगाइट कोसेट एच ए विल बी इक्वल टू दरस्पॉन्डिंग लेफ्ट कोसेट ए एच हो जाएगा ठीक है तो ये तुम्हारा था कोसेट का डिफेंशन